उत्तर भारतीयों का प्रमुख हूँ और आज 40 साल से मैं सूरत में रहता हूँ। मेरे अभिमन्यु गुप्ता जी हैं, इनका एनजीओ में हम बहुत दिन से काम कर रहे हैं। आज बड़े सौभाग्य की बात है कि 15 अगस्त के दिन हमको झंडारोहण करने का मौका मिलता है। हर एक जगह हम लोगों को बुलाया जाता है, मान सम्मान दिया जाता है। और यदि भारत में जब आज़ादी मिली थी, लेकिन पहली बार सूरत के ही बंदरगाह में अंग्रेज़ों ने पहली बार सूरत में कदम रखा था, इसके बाद पूरे भारत में फैले हैं। भारत माता की जय। भारत माता की जय। नमस्कार, मेरा नाम विकास जी मिश्रा, एस के एस मानवाधिकार का राष्ट्रीय अध्यक्ष, हमारे बड़े भाई अभिमन्यु गुप्ता जी, हमारे बड़े भाई महेंद्र तिवारी जी जो यहाँ पे उपस्थित हुए। ह्यूमन राइट जन कल्याण सेवा ट्रस्ट के द्वारा यह आयोजन 15 अगस्त जो अपना देश आज़ाद हुआ उस उपलक्ष्य में, हमारे अभिमन्यु भाई कई सालों से ऐसे ही झंडारोहण का कार्यक्रम करते रहते हैं। और तो ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, सबको आप लोगों को मालूम है अपना देश आज आज़ाद हुआ था। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद। जी, आपका शुभ नाम? सर, मेरा नाम अभिमन्यु गुप्ता है। जी, यह कार्यक्रम किस उपलक्ष्य में कर रहे हैं और कब से कर रहे हैं? सर, मैं ह्यूमन राइट जन कल्याण जन सेवा मंडल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ और ये कार्यक्रम 15 और 26 जनवरी का कार्यक्रम मैं 2017 से लगभग जब से हमारी संस्था चालू है जब से मैं करते आ रहा हूँ। और आज बहुत सौभाग्य की बात है कि आज 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आज जो है कि हम लोग ध्वजारोहण का प्रोग्राम किए और ये सारे देश पूरे देश में पूरे भारत देश में बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। और उसके साथ साथ हमारे जो भी पदाधिकारी और सदस्यगण हैं बहुत काफ़ी संख्या में मौजूद रहे यहाँ। और उत्तर भारतीय श्रमजीवी संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष महेंद्र तिवारी जी यहाँ पधारे और इनके हाथ से ध्वजारोहण का समापन किया गया, तो इनका भी मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। कष्टभंजन समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष विकास मिश्रा जी यहाँ उपस्थित थे, उन्होंने भी बहुत अच्छा से जो है कि अपना ध्वजारोहण का समारोह में भाग लिया। राजकुमार द्विवेदी जी हैं, अमित सिंह जी हैं, अनूप गुप्ता जी हैं, रमेश यादव जी हैं और बहुत सारे हमारे जो बहुत सारे पदाधिकारी और सदस्यगण हैं, मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं जब जो सब लोग इकट्ठा हुए। ये 15 अगस्त के बारे में जो हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो हम ये स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और मैं यही कहूंगा कि जो आज जो देश के लिए जो वीर जो शहीद हुए हैं तो उनको जो है कि याद करना ज़रूरी है। आज सबको बाहर निकलना चाहिए और जो है कि आज जो वीर जो शहीद हुए हैं जो भारत के लिए उस जिनके वजह से आज हम लोग स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं और जो है स्वतंत्र हैं, इसके लिए उन लोगों को बहुत बहुत याद करना चाहिए, उन लोगों को नमन करना चाहिए। उन लोगों को हमारे सब एनजीओ की तरफ से बहुत बहुत नमन है और हम सब लोग मिल करके उनको उन सभी को याद करते हैं। जो है कि हमारा अनाथ आश्रम ओलपाड़ में जो है कि वृद्धाश्रम अनाथ आश्रम जो है कि अभी तैयारी है बनने के लिए और उसमें जो है कि हम लगे हुए हैं और बरसात जैसे चालू हो जाएगा बंद हो जाएगा वहाँ हमारा आश्रम का काम चालू हो जाएगा और ये हम बहुत ज़ोर शोर में अभी काम चालू करेंगे और इसमें हमारे सब साथियों का बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है। पिछले बार 15 अगस्त या 26 जनवरी पे वहाँ ध्वजारोहण कराएंगे कि यहीं पे नहीं? ध्वजारोहण कराएंगे, वहाँ भी एक ऑफिस बनेगा और वहाँ जो है कि जो लोग रहेंगे वहाँ भी ध्वजारोहण होगा। या जितनी हमारी ऑफिसें हैं मैं कोशिश करूँगा कि हर एक जगह जो है अपना ध्वजारोहण का प्रोग्राम होता रहे। कुछ यहाँ पे जो इकट्ठा हुए आपके मित्रगण आपके पदाधिकारी उनके बारे में क्या कहना है? ये हमारे जो भी पदाधिकारी हैं जो भी सदस्यगण हैं जो भी मित्रगण हैं बहुत सबसे सहयोग अच्छा हमको मिलता है और सबका सहयोग मिलता रहेगा तो हमारी संस्था आगे बढ़ती रहेगी। मैं यही सबसे निवेदन करूंगा सब लोग अपना सहयोग करते रहें ताकि हमारा जो उद्देश्य है अनाथ आश्रम बनाने का वो जल्दी से जल्दी तैयार हो जाए।